12 तारीख को अभी कलश यात्रा है जी, तो उस कलश यात्रा में कम से कम 30 से 35 हजार लोगों की पहुंचने की व्यवस्था है, जिसमें से 5100 महिलाएं रहेंगी। ऐसा लगता है कि जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी का है, तो हमको ऐसा लगता है कि 1.5 लाख प्लस पब्लिक रहेगी, 10,000 के करीब करीब बैठने की हमारे पास चेयर। ये तो देखिए धार्मिक आयोजन है, कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, इसमें ये पूरे मऊगंज परिवार इसका आयोजक है। अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीनस्थ 53वां जिला यानी नवीन जिला मऊगंज के अधीनस्थ हूँ। बात करी है गौरी शाहपुर का, ये जगह है यानी अगर लोकल स्थिति में बात करूँ मर्यादपुर है। यहाँ पर आपने अनेकों तस्वीरों से आपने देखी होगी कि 12 मार्च यानी कल से ही यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य यानी रामकथा होने जा रहा है, जहाँ पर अगर बात करूँ इतिहासमय पूरे विंध्य के लिए कहीं ना कहीं से पहला ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर जगतगुरु रामभद्राचार्य एवं उसके साथ में ही 20 तारीख को अनूप जलोटा जी जो सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा कहा भी ये भी जा रहा है कि 18 तारीख को कहीं ना कहीं से जो सबसे ज़्यादा चर्चित इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी हैं, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके से जो माहौल है तो उस माहौल की जो स्थितियाँ थी आपने पिछले वीडियो में देखी थी, उस वीडियो में आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, आपके अंदर काफ़ी प्रश्न थे कि इस समय के जो स्थितियाँ हैं यानी रामकथा होने से पहले तो यानी किस तरीके से है। आप देखेंगे तस्वीरें हैं जहाँ पर रामकथा होने को है, किस तरीके से पूरी तरह से टेंट का जो सज्जा धज्जा होना चाहिए वो टेंट का सज्जा धज्जा देखने को मिल पा रहा है। इधर देखेंगे काम पूरी तरह से तेज़ी से चल रहा है, यहाँ पर सियाराम ये कुटीर कहलाया जा रहा है इस समय, और बाकी ये जो बगला देख रहे हैं तो ये बगला भी नवीन ही बगला है, और नवीन बगले के साथ में ये लगभग कहा जा रहा है कि 9 एकड़ के बीच में यह ग्राउंड जहाँ पर लगभग पूरे विंध्य के साथ ही नहीं पूरे देश से अनेकों जो प्रसिद्ध नेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, और जगतगुरु रामभद्राचार्य जो गुरुओं के गुरु हैं यानी मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी गुरु हैं, वो भी उनके मुखार बिंदुओं से यहाँ पर रामकथा कही जाएगी। इस रामकथा को सुनने के लिए कहीं ना कहीं से जो लोक व्यवस्थाएँ की गई है वो मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लाखों की संख्या के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, टेंट की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे पानी बरसे चाहे पत्थर गिरे या फिर कोई भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिले। आप देखेंगे वहाँ से वह जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर से रामकथा का आयोजन होगा, और रामकथा को सुनने के लिए जो भी श्रद्धालु आएंगे जो भी श्रोता आएंगे वो यहाँ पर बैठ करके पूरी तरह से मग्न यानी मुग्ध हो गए। बाकी तस्वीरें देखेंगे पूरी तरह से एक दिन पहले ही जिस तरीके से तैयारियां तेज़ी से की जा रही है, और लगभग मैं कहूँ लगभग 2 माह पहले से यानी लगभग 2 माह से ही लगातार यहां के प्रचार प्रसार और जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के आगमन पर जो खुशियां पूरे विंध्य में देखी जा रही है, विंध्य के साथ पूरे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं से जो गौरव छड़ी जो मैं होगा वो कहीं ना कहीं से मऊगंज को प्राप्त होने जा रहा है, वो भी मऊगंज में गौरी और शाहपुर की। इसका अगर आयोजन की बात करूँ तभी नवीनतम अगर आप सुने होंगे अभी हाल में ही बीजेपी की सदस्यता लिए यानी भूतपूर्व में कांग्रेस और इससे भी पहले बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत रहे यानी यहाँ पर विधानसभा में चुनाव लड़े हुए यानी एडवोकेट मिग्रेन सिंह जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। बाकी तस्वीरें देखेंगे, बाकी यहाँ से अगर चारों तरफ की अगर तस्वीरें आप सबसे पहले देख लीजिए किस तरीके से सबसे पहले जब हम गेट से पहले जब एंट्री करते हैं तो जो ये रोड है इस रोड से पहले किस तरीके से रोड के बाद में कैसा सड़क है अगर आप आना चाहते हैं, इसके बाद में किस तरीके से जो द्वार है मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार को आप देख पा रहे हैं। इसके बाद तस्वीरें देखेंगे जहां पर भोजन वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर चारों तरफ की गई है, और इसके अलावा व्यवस्थाओं के साथ में जो टेंट का आयोजन किया गया है श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए, उस विश्राम के साथ में जो रसपान ले गए सुंदर सी जो कथा की और भी मुखार बिंदु अगर कहा जाए तो गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के माध्यम से, और बाकी अगर यहाँ पर चार चांद लगाने के लिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं संगीत के सम्राट अनूप जलोटा जी को माना जा रहा है तो उनके माध्यम से भी यहाँ 20 तारीख के दिन में आप बहुत बेहतर तरीके से लुत्फ़ उठा सकते हैं, और बाकी इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी 18 तारीख के दिन में यहाँ पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं उनको भी आप देख और सुन पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे काफ़ी लोग जो यहाँ पर समर्थक हैं इस रामकथा को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपना जो योगदान दे रहे हैं, बाकी तस्वीरों पर देख सकते हैं। बाकी पूरे तस्वीरों में देखेंगे चारों तरफ केवल अगर है तो केवल अपने
अपनी जो अगर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, इस रामकथा में योगदान दे रहे हैं, छोटे से चाहे श्रम की बात हो चाहे धन की बात हो, चारों तरफ से छोटे छोटे योगदान के रूप में यहाँ पर कहीं न कहीं से सियाराम कुटीर में देखा जा रहा है। बाकी अनेकों लोग यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी यहाँ पर लोग जो समर्थक रूप में हैं, बाकी यहाँ के जो इतिहास गवाह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी देखेंगे इधर से और इधर से पूरी तरह से ये देखिए व्यवस्थाएँ पूरी तरह से यहाँ पर मेट लगाया गया है, जो कि यहाँ पर लगभग श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्थाएं और जो श्रोता गण आएंगे रसपान लेने के लिए आएंगे उनकी व्यवस्थाएं यहां पर पूरी तरह से चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ में यहां पर अपनाया जा रहा है। बाकी इसमें मौसम का जो हाल है, लगभग पूरी तरह से मौसम अपना जो रूप है वो कहीं कहीं से दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा है। कल भी कहीं कहीं से पत्थरबाजी हुई, हल्की हल्की कई जगह बारिशें भी हुई, उसके साथ में यहाँ भी उसी कयास को देखते हुए पूरी तरह से टेंट का जो सज्जा धज्जा है पूरी तरह से चाक चौबंद तैयार कर लिया गया है। बाकी यहाँ पर देखेंगे लगभग जितने भी लोग अगर दिखेंगे तो लगभग काफ़ी लोग जो रामकथा को सफल बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन लोगों का जो योगदान है, जो योगदान कहीं ना कहीं से बिंद के इतिहास में यानी गौरव क्षणी मैं जो है उसकी उपस्थिति में अपने आप को कहीं ना कहीं से धन्य महसूस करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाकी इधर लगभग मृगन सिंह जी की, जो कि यहाँ पर एडवोकेट और समाजसेवी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी यहाँ लगभग उपस्थिति है। उनसे भी मैं साक्षात्कार करवाने का प्रयास करूँगा कि आखिर उनका क्या कहना है, जो आपके जो मुख्यतः दो जो प्रश्न रहे हैं उन प्रश्नों को भी मैं साझा करने का प्रयास करूँगा। सर मृगन सिंह जी हैं क्या जी? कहाँ पर होंगे? मृगन सिंह जी वहाँ पर खड़े हैं। अच्छा हाँ जी, चलिए जी जी। तो चलिए देखिए यहाँ पर इतनी व्यस्ततम भरी जिंदगी होने के बावजूद भी जो यहाँ रामकथा का जो आयोजन होने जाना है, यानी बिंध का पहला ऐसा आयोजन है जो कहीं न कहीं से बिंध के जो लोग हैं अपने आप को कहीं न कहीं से गौरवमयी क्षण के रूप में अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। और जी जी, हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है। ये मध्य प्रदेश की पहली तस्वीर है जहाँ पर जो तीन चेहरे जो मैं आपको बताया हूँ, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि गायकी के रूप में, यानी अनूप जलोटा जी, और इसके अलावा जो 18 तारीख को जो आने वाले हैं लगभग सर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी आने वाले हैं। शास्त्री जी का भी कार्यक्रम है और 15 तारीख को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी है और 16 तारीख को वो जाएंगे, एक दिन वो रुकेंगे। अच्छा अच्छा, इन 15 सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, 18 तारीख के दिन मैं आपसे बोल पाया, लेकिन 15 से 16 के बीच में रुकेंगे जो कि लगभग आप दर्शन भी कर पाएंगे। बाकी सबसे पहले मैं सर से ही, जिनके माध्यम से यानी एडवोकेट मृगन सिंह जी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, यानी वो अपने पिताजी को रामकथा के रूप में और उसके साथ में जितने भी यहाँ आसपास के इलाकों पूरे मध्य प्रदेश को रामकथा का रसपान करवाने का जो प्रयास कर रहे हैं उनका जो सराहनीय जो कदम है, जिसकी आपने काफ़ी बखूबी की है पिछले वीडियो में, आपने काफ़ी आपने कमेंट भी किए हैं, जो आपके मुख्य जो सवाल थे उन सवालों के भी मैं आपके जो जवाब हैं उनको मैं लेने का प्रयास करूँगा। उस दृश्य को आप देख सकते हैं, वो पूरी तस्वीरें हैं, बाकी छोटी सी तस्वीर यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी इसके बगल में एक मैं कहूँ तो पानी का जो एक सिस्टम है वहाँ भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो मेन गेट है, मेन गेट की जो खूबसूरती है उस तस्वीर को आप भलीभांति समझ सकते हैं कि जिस तस्वीर को यहाँ पर पिरोने का प्रयास किया जा रहा है उस तस्वीर को किस तरीके से यहाँ पर बिंद के लाल ने कहीं ना कहीं से आप सभी को सौंपने का प्रयास किया है। बाकी सर क्या माहौल है इस समय, लगभग 12 तारीख से रामकथा भी होने जा रहा है, तो क्या तैयारियाँ पूरी तरह से हो गई या फिर अभी भी अधूरी है? अब अधूरी है तैयारी, अब पूरी कहाँ भाई रामकथा के जी, कल ताम परसों कलश यात्रा के बाद जी सब व्यवस्था बन रही है, 24 घंटा में काफ़ी व्यवस्था बन जाएगी। अच्छा सर ये कितने माह से लगातार ये कार्यक्रम को? 7 महीना हो रहा है। 7 महीने सर? 7 महीने से। 7 महीने से जिस आयोजन को तैयार किया जा रहा है उस 7 महीने के आयोजन कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लेवल का पहला ऐसा आयोजन है, तो कहने से हेलीपैड भी है, हेलीपैड भी बन रहा है। 12 एकड़ में पूरा परिसर है ये और 4 पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, जो कि 6 एकड़ की चार पार्किंग व्यवस्थाएं हैं, 4 अलग और 3 गेट हैं। सर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो समाज सेवी है, नेता हैं, जो बड़े राजनीतिक मंच में जो बैठे हुए लोग हैं उनका भी आगमन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल आगमन हो रहा है। संख्याएं हैं जिनका कंफर्म हो चुका नहीं, है संख्या तो देखिए जो 12 तारीख को अभी कलश यात्रा है जी, तो उस कलश यात्रा में कम से कम 30,000 से 35,000 लोगों की पहुँचने की व्यवस्था है, जिसमें से 5100 महिलाएँ रहेंगी, जो 5100 महिलाएं हैं जो जिनके लिए एक ही ड्रेस में रहेंगी, एक अपने पूरे पूरा ड्रेस कोड रहेगा उनका, और वो दो तरफ से और नौलखा मंदिर से
लेकर और अपने यहाँ तक राम कुटीर तक का उनका पूरा महाराज जी का स्वागत रहेगा और 35,000 कम से कम 35,000 पब्लिक उस दिन रहेगी। फिर पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी का है तो हमको ऐसा लगता है कि 1.5 लाख प्लस पब्लिक रहेगी और हमारी तैयारी भी है और 50,000 के करीब करीब बैठने की हमारे पास चेयर हैं, कुर्सियां हैं हमारे पास। बाकी जो लोग रहेंगे वहां पर जितनी है तो सब टाट लगी रहेंगी और ऊपर से गद्दे रहेंगे। भीड़ के हिसाब से व्यवस्था बढ़ती जाएगी। 50,000 के आसपास हमारे पास कुर्सियां हैं और जैसा भी अब जितने भी बड़े नेताओं का आना है उनका धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम ये मान के चलें कि अपने विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं तो सारे विधायक हैं, वो पूरे विधायक रहेंगे और शायद अब बीडी शर्मा जी अब भी आ रहे हैं इसको पहले मतलब मुआयना करने देखने। तो इसके अलावा जितने भी हैं तो आएंगे ही और बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में हैं भैया जी हमारे, और जो जैसा जिनसे क्लियर होता जा रहा है वो इसी 18 तारीख तक 19 तारीख तक सभी लोग आएंगे। तो चलिए जो तस्वीरें हैं कहने के से पूरे मध्य प्रदेश के लिए इतिहासमयी है और इतिहासमयी के साथ में ही जो 7 महीने की जो मेहनत है वो 7 महीने की मेहनत लगभग 12 तारीख से रंग लाना शुरू कर देगी और उसका लगभग जो 20 तारीख का समापन है उस बीच में आप सभी इतने सुनहरे जो अवसर हैं इसने कहीं कहीं गौरव छड़ी जो मैं है उसमें आप आने उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं और जगत गुरु जो यानी गुरुओं के गुरु हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मुखार बिंदु से जो राम कथा यानी राम की जो लीलाएं हैं भगवान राम की वो सभी आप लोग बड़े कहीं कहीं से समय के साथ में आप सुन पाएंगे। इस तरीके इस समय का जो दृश्य है इस समय के व्यस्तम भरी दृश्य में सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि आपने पिछले तस्वीरों में देखी होगी। अभी विधानसभा जो मऊगंज है काफ़ी इनका सराहनीय जो कार्य रहा है समाज सेवी को भाव में अभी बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। सर बिंद प्रेस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके के ये आयोजन है आयोजन में पिछले में कवर मैंने किया था पिछले वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग के केवल 2 प्रश्न रहे हैं, मैं आपका समय भी नहीं लूंगा, केवल 2 प्रश्न रहे। 7 महीने के सर मेहनत और 7 महीने के बीच में काफ़ी लोग का जो कहीं ना कहीं से जो प्रश्न रहे हैं तो ये कैसे सर संभव हो पा रहा है, इतने सर ये जो इसमें जो धन की आवश्यकता है जन की आवश्यकता है ये कैसे सर ये सब इकट्ठा हो पा रहा है? राम जी की कृपा से सब हो रहा है। केवल वहीं से धन वर्षा हो रही वहीं से जन वर्षा हो रही है। तो सर इसके अलावा भी एक जो दूसरा कहीं कहीं से इस मंच के आयोजन से लोग जो प्रश्न रहे हैं कि कहीं कहीं से इसमें लोग की जो भावनाएं हैं आगामी विधानसभा चुनाव से इससे क्या लेना देना रहेगा? नहीं ये तो देखिए धार्मिक आयोजन है, कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है इसमें। ये पूरे मऊगंज परिवार इसका आयोजक है और तमाम सब वरिष्ठ लोग चाहे किसी भी दल से हो किसी भी विचारधारा से हो सब आमंत्रित हैं, सब आएंगे, इसको राजनीति से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि भगवान कहीं से प्रश्न का खंडन हो चुका है। मैं आखिरी प्रश्न एक और करूँगा सर, जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाओं से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े जो राजनीतिक जो मंच के जो बड़े नेता हैं उसमें से कुछ संख्याओं की सर कहीं ना कहीं से पुष्टि हो चुकी है कितने लोग आ रहे हैं या फिर अभी नहीं हो पाई है? देखिए ये मैंने पहले भी आप सबसे निवेदन किया था कि हमारे लिए हर कोई जो भी आ रहा है पूज्य है, सम्माननीय है, अति विशिष्ट है और तमाम लोगों को बुलाया गया है, उसमें विशिष्ट भी हैं अति विशिष्ट भी हैं जो समाज की श्रेणी होती है, हम लोगों के लिए तो सब हम लोग तो बराबर ही श्रेणी रखते हैं। अच्छा सर, और आएंगे जो आएंगे उनसे बिल्कुल सर एक और एक प्रश्न रहा है याद आया जो अभी कहीं ना कहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी हैं अभी भी उनको कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है तो उनका सर उपस्थिति का कुछ ऐसा पुष्टि हो पाई है कब आएंगे? तो बिल्कुल चल रही उनकी कि आना है उनको, लेकिन किस दिन आना है जी ये जब तय हो जाएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, अपने से कोई मनगढ़ंत तो बात तो बताए। अच्छा अच्छा, कोई बोला 15 को, कोई बोला 18 तारीख को, 15, 16, 17। अच्छा ये 3 18, 19 तो बॉम्बे जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बाकी आप के जो सवाल रहे हैं लगभग सवाल को मैंने साझा करने का प्रयास किया है, जो पूरा दृश्य है पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास किया है, बाकी क्या तैयारियां है उस तैयारियों को दिखाने का प्रयास किया है, बाकी आप 10 दिन पहले से और आप में अभी तक में कितना परिवर्तन हुआ है, 7 महीने की मेहनत यानी कितना परिवर्तन लेके आ रही है, कितना रंग लेके आ रही है, कितना 12 तारीख के बाद में कितने श्रद्धालुओं की संख्या होगी उस तस्वीरों को भी मैं कैद करने का प्रयास करूँगा। चलिए तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं और ये मृगन सिंह यानी एडवोकेट मृगन सिंह जो समाज सेवी रूप में जाने जाते हैं उनका जो प्रयास है पूरे बिंद पूरे मध्य प्रदेश के लिए आप के नज़रों में कैसा लग रहा है आप कमेंट कर बताना भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।